दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा एक पार्सल और आया है और ये आया है हिंद कॉमिक्स की तरफ से। और ये एक रैंडमली पार्सल मैंने मंगाया है। रैंडमली मतलब ये सारी कॉमिक्स मेरे पास पहले से हैं, लेकिन मैं बैठा हुआ था फ्री तो मैंने हिंद कॉमिक्स की वेबसाइट बस ऐसी ओपन कर ली, hindcomics.com। तो वहाँ बहुत सी क्लासिक कॉमिक्स ऐसी थी जो कि महज 45 रुपीज़ या 49 रुपीज़ की थी। तो सिंगल सिंगल इश्यूज़ मेरे पास सबके थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी सस्ती 45-49 रुपीज़ में मिल रही है तो ले लेते हैं। एक शानदार पैकिंग के साथ हिंद कॉमिक्स की तरफ से ये पार्सल आया है। ये इनबॉक्स इनवॉइस और ये सारी कॉमिक्स मेरे पास हैं। बस एक कलेक्टर एडिशन है वो मेरे पास नहीं था। बहुत ही शानदार पैकिंग, बबल रैप, इसको सोच रहा हूँ थोड़ा आराम से निकाला जाए। यार कॉमिक्स की पैकिंग बहुत ही शानदार होके आई है हिंद कॉमिक्स की तरफ से, इसके लिए हिंद कॉमिक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। एक है पिरामिडों की रानी। पहले भी आप वीडियोस अगर मेरे देखेंगे तो ये सारी कॉमिक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन पर कॉमिक्स ये 49 रुपीज़ की कुछ पड़ी। तो और बिल्कुल देखिए एकदम शानदार कंडीशन में है। आप में से भी कोई मंगाना चाहे तो hindcomics.com पे जाइए और वहाँ से ऑफ़र चल रहा है 49 या 45 रुपीज़ पर कॉमिक्स। अफसोस तो इस बात का है कि 2-3 दिन 4 दिन पहले अगर वेबसाइट ओपन की होती तो और जो कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई वो मिल जाती। तो पिरामिडों की रानी क्लासिक कॉमिक्स वही पुराने सेट डिटेल्स के साथ, वही पुराने एड्स, नागराज और अजगर का तूफान एकदम देखिए एकदम मिंट कंडीशन में है, वही पुराने सेट डिटेल्स, शानदार कंडीशन, 49 रुपीज़ की पर कॉमिक्स पड़ी है मुझे। एक शानदार ऑफ़र, अगर आप भी लेना चाहें तो हिंद कॉमिक्स पे जाइए वेबसाइट पे। नागराज और मिस्टर 420 वही सेट डिटेल्स। और वैसे भी ये रेयर कॉमिक्स हैं, इनका मेरे पास सिंगल सिंगल इश्यूज़ पहले से ही हैं, लेकिन सिंगल सिंगल इश्यूज़ हैं तो शानदार। थोड़ांगा की मौत, नागराज और बैम बैम बिगेलो का ऐड, वही पुराने सेट डिटेल्स, आर्टवर्क शानदार, नागराज और बैम बैम बिगेलो, वही पुराने सेट डिटेल्स, वही पुराने एड्स, शानदार कंडीशन, शानदार आर्टवर्क, वही पुराने सेट डिटेल्स, नागराज और पकोरा का जादू, वही पुराने सेट डिटेल्स, वही पुराने एड्स, गजब का आर्टवर्क, क्लासिक आर्टवर्क, वही पुराने एड्स। और ये शुरू की 5 कॉमिक्स मैंने मंगाई हैं ध्रुव की, और ये वैसे 350 का सेट है 5 कॉमिक्स का इनिशियली ध्रुव की, लेकिन मुझे ये 280 रुपये में पड़ी है, यानी कि 50-55 के आसपास पर कॉमिक्स। चलिए देखते हैं रोमन हत्यारा ध्रुव की इनिशियल शुरू की 5 कॉमिक्स।
एकदम गजब का आर्ट वर्क। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है बच्चों का प्रतिशोध की ज्वाला, वही पुराने सेट डिटेल्स। सुपर आर्ट वर्क। आदमखोरों का स्वर्ग। एकदम शानदार यार, आर्ट वर्क पुराने जो होते थे वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मौत का ओलंपिक। एक्चुअली कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो इस बीच मुझे मौका मिला और मेरा ये पार्सल मुझे आज ही मिला, तो मैंने सोचा देरी ना की जाए और फटाफट अनबॉक्सिंग जल्दी से की जाए टाइम निकाल के। शानदार आर्ट वर्क, वही पुराने, और उन जो गेस्ट आए हैं उनके बच्चे भी आए हैं तो शोर शराबा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा आदम स्वर्ग की तबाही। नागराज की शुरू की, ध्रुव की शुरू की जो पांच कॉमिक्स हैं इनका भी मेरे पास सिंगल सिंगल इश्यूज था, तो मैंने सस्ती मिली तो मैंने दोबारा मंगा लिया। और इनके साथ आए हैं शानदार स्टिकर्स, क्या बात है, इनको यहाँ रखते हैं। शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, गजब। एक दो तीन चार पाँच, विषमरथ, ये मेरे पास नागराज की कॉमिक्स जनरल और विशेषांक जो थे वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट, बस एक विषमरथ रह रहा था। ये मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ का ऑफर में पड़ा और देखिए कंडीशन बिल्कुल मिंट है। विषमरथ, वही पुराने सेट डिटेल्स, लाजवाब कॉमिक्स है ये भी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी है शायद, सम्मोहन, देखता हूँ, नहीं समाप्त है सम्मोहन का पीछे ऐड, बलि कुठार का पीछे ऐड, शक्तिमान का पीछे ऐड। यार शक्तिमान की कॉमिक्स भी जल्द से जल्द आनी चाहिए। एकदम शानदार आर्ट वर्क विषमरथ। और एक मैंने मंगाया है नागराज वृत्तांत 2। वैसे मैंने ये जो नागराज वृत्तांत 2 है इसमें 5 कॉमिक्स हैं। इसका मैंने पहले ऑर्डर जो किया था हिंद कॉमिक्स पे वो किया था 5 जो इसमें कॉमिक्स हैं उनका पेपरबैक, हाँ 5 पेपरबैक जो था इनका वो ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें से एक कॉमिक्स हिंद कॉमिक्स की तरफ से जो अमन भाई हैं उनका मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि निशांत भाई एक जो आपने नागराज वृत्तांत 2 पेपरबैक किया है उसकी एक कॉमिक्स डैमेज है, ठीक नहीं है कंडीशन, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने वेबसाइट दोबारा चेक की और नागराज वृत्तांत 2 का CE देखा, ये मुझे महज 474 का वहाँ दिखा, तो मैंने उनसे कहा ठीक है नागराज वृत्तांत 2 पेपरबैक मेरा कैंसिल कर दीजिए और मेरा CE इसमें कलेक्टर एडिशन ऐड कर दीजिए, ये मेरे पास था भी नहीं, तो देखते हैं इसको कैसे। क्या बात है, बहुत ही शानदार, एकदम बेहतरीन कंडीशन में है, इसको क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब।
अरे वाह, नोवल्टीज़। चलिए पहले अंदर से इसको देखते हैं। एकदम शानदार कवर, खूबसूरत येलो पेजेस, मोटा पेज है काफ़ी। खूनी कबीला, कोबरा घाटी का एड, खूनी कबीला यहाँ से स्टार्ट। शानदार आर्ट वर्क। फिर है इसमें कोबरा घाटी, आदमपुरु का स्वर्ग का एड, शानदार आर्ट वर्क। फिर इसमें है बच्चों के दुश्मन, और ये अपना बुकमार्क। प्रलंकारी मणि, हाँ उन्होंने कहा था कि प्रलंकारी मणि कंडीशन ठीक नहीं है। अमन भाई का फ़ोन आया था हिंदू कॉमिक्स की तरफ से पेपर बैक में, तो मैंने कहा ठीक है। कलेक्टर एडिशन भी 474 रुपये का मिला, बहुत सस्ती पड़ी है ये कलेक्टर एडिशन और बहुत ही शानदार लग रही है। शंकर शहनशाह, मतलब 5 कॉमिक्स हैं इसमें, खूनी कबीला, कोबरा घाटी, बच्चों के दुश्मन, प्रलंकारी मणि और शंकर शहनशाह। और देखिए पीछे का कवर बहुत अच्छी लग रही है ये। चलिए ये भी देख ही लेते हैं। हालांकि पीछे से शोर आ रहा है कि चाचू जल्दी आओ, चाचू जल्दी आओ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये है मैग्नेट स्टिकर, स्टिकर चलिए। तो एक नागराज वृत्तांत 2, विषमरथ, स्वर्ग की तबाही, मौत का ओलंपिक, आदमखोरों का स्वर्ग, प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, बकोरा का जादू, बैम बैम भिगैलो, थोड़ांगा की मौत, मिस्टर 420, अजगर का तूफान, पिरामिडों की रानी। तो ये एक शानदार पार्सल हिंद कॉमिक्स की तरफ से, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।